गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वीना सहाय। पिछले लॉकडाउन में ही मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था ताकि घर में बैठे बच्चे लोग हिंदी मीडियम से साइंस की पढ़ाई को कर सकें या समझ सकें, है ना। मैंने 8, 9 और 10 के कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं जिन्हें आप देखें, देख करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी मैं लाइव प्रोसेस 10th क्लास का बायोलॉजी जैव प्रक्रम बता रही हूँ। आज क्वेश्चन आंसर में बतलाऊंगी। क्वेश्चन आंसर इसके पिछले क्लास में 3 क्वेश्चन था। लास्ट नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। सेकेंड था उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पौधे किन विधियों का उपयोग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन था मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। ये क्वेश्चन बाकी था, ठीक है। आज मैं इसे बता रही हूँ कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। तो जहां तक है कि मूत्र बनने का उद्देश्य है ना, पहले तो है कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन हमारे द्वारा पिए गए जल की मात्रा पर निर्भर करता है ना। हम कितना जल पीते हैं तो हमारे द्वारा पिए गए जल की मात्रा और शरीर द्वारा अवशोषित भोजन और विभिन्न हार्मोन्स पर ADH पर निर्भर करता है। विभिन्न हार्मोन्स पर ADH पर ये निर्भर करता है। और अमाउंट ऑफ यूरिन है ना, मूत्र बनने की जो मात्रा अमाउंट ऑफ यूरिन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर। वाटर कितना हम लेते कितना पीते हैं उसी पर निर्भर करता है। और घुला हुआ वेस्ट मटेरियल जो हमारे वाटर में घुला हुआ है वो, ठीक है। ADH हार्मोन्स regulates the production of urine. ADH hormones regulates the production of urine, या इसको वैसे बोलेंगे कि विभिन्न हार्मोन्स पर ADH पर निर्भर करता है। ADH hypothalamus से secrete होता है ना। ADH निर्भर करता है पर निर्भर करता है। तो हम जितना पानी पिएंगे है ना, जितना हम पानी पिएंगे और उस पे जो वेस्ट मटेरियल जो उस पे घुला हुआ है अमीनो एसिड, यूरिया, अमोनिया है ना, वो सब हमारे वो सब अवशोषित भोजन और विभिन्न हार्मोन्स पर ADH पर निर्भर करता है। इसके बाद है हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा। विभिन्न प्रकार की गतियों का जीवन सूचक माना जाता है। विभिन्न प्रकार की गतियों को जीवन सूचक माना जा सकता है। जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन तथा अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन आदि प्रक्रम आवश्यक है ना। ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि जीवन के मेंटेनेंस के लिए, हमारे लाइफ को मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन आदि प्रोसेस जरूरी है। स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का प्रकाश, उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करना है। स्वपोषी पोषण में जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। अब विषम पोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है।
विषम पोषी पोषण में क्या होता है, दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्गत। हम लोग क्या है, हम लोग विषम पोषी है। तैयार किया हुआ भोजन को हम लोग बाहरी वातावरण से, ये बाहर से हम लोग भोजन को अंतर ग्रहण करते हैं, है ना, हम लोग मुंह में डालते हैं। मनुष्य में खाए गए भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है तथा पचित भोजन क्षुद्रांत यानी कि इंटेस्टाइन में अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में यानी कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है, टूटना होता है, जिससे कि एटीपी का निर्माण होता है और उसका उपयोग कोशिका में होने वाले अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है, है ना। एटीपी जो है उसका उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं को ऊर्जा देने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। श्वसन वायवीय या अवायवीय भी हो सकता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी श्वसन हो सकता है। वायवीय श्वसन जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन से जीव को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में जीव को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन तथा उत्सर्जित पदार्थ उत्पाद शरीर के वाह पदार्थों का वहन परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन तथा उत्सर्जित पदार्थ शरीर के पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका जो वहन होता है, वो परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। तो परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर, रुधिर वाहिकाएं होती है, है ना। इसमें आर्टरी है, वेन्स है, सब होते हैं। उच्च विभेदित पादपों में जल, खनिज लवण, भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन संवहन ऊतक का कार्य है। इसमें जाइलम तथा फ्लोएम भी होते हैं। तो पेड़ पौधों में क्या होता है, पौधों में जो जल, खनिज लवण, भोजन तथा अन्य पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टिंग होता है, नीचे से ऊपर तक जाता है या पत्तियों से पूरे पौधों तक जाता है या जड़ से ऊपर तक के पत्तियों तक जाता है, तो वो सब क्रियाएं जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा होता है। संवहन ऊतक का कार्य है जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं। मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ विलय नाइट्रोजन यौगिक के रूप में वृक्काणु द्वारा निकाले जाते हैं। मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ विलय नाइट्रोजन यौगिक के रूप में वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन द्वारा निकाल दिए जाते हैं। आप छन्नी की क्रिया होती है तो नेफ्रॉन द्वारा निकाल दिया जाता है। पौधे अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। पौधे उनमें जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनसे निदान पाने के लिए वे भी कई तरीके का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित किए जा सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित की जा सकते हैं या गोंद व रेजिन के रूप में तथा गिरती पत्तियों द्वारा दूर किया जा सकता है। ये अपने आसपास के मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं, है ना, आसपास के मृदा में उत्सर्जित। तो ये हुआ कि हमने क्या सीखा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और परिवहन। तो इसका आंसर क्या होगा? मनुष्य मेमोरी का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और परिवहन। इसका आंसर होगा उत्सर्जन, क्योंकि वृक्क जो है वह उत्सर्जन उत्सर्जी तंत्र है ना, पोषण और श्वसन और परिवहन नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलमी उत्तरदायी है, जल का वहन या भोजन का वहन या एमिनो एसिड का वहन या ऑक्सीजन का वहन। इसका आंसर होगा जल का वहन। पौधे में जाइलम जड़ से जल करके खनिज लवण लेके ऊपर तक पौधों तक पहुंचाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और डी, उपरोक्त सभी। तो क्या इसको हम लोग जान रहे हैं कि सब चीज की आवश्यकता है ना? स्वपोषी हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ओके, चौथा क्वेश्चन है कि पाइरूवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कहाँ? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या केंद्रक। किसमें होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि पाइरूवेट के विखंडन में माइटोकॉन्ड्रिया में जो विखंडन होता है उसपे कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है ना? पांचवा क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहाँ होता है? हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रोसेस कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में, ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर में वसा का पाचन आहार नाल के क्षुद्रांत में होता है, छोटी आंत क्षुद्रांत में होता है। अमाशय में लाइपेज नामक एंजाइम उन पर क्रिया करता है तथा वसा को खंडित कर देता है, उसको तोड़ देता है। और अग्नाशिक यानी कि पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला पाचक लाइपेज रस पाइसीकृत वसा को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल देता है ना? पेनक्रेटिक जूस में पाए जाने वाला पाचक लाइपेज रस जो है पाइसीकृत वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो पाइसीकृत वसा प्लस लाइपेज एरो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल यानी कि फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल छोटी आंत में पाए जाने वाले विल्लाई यानी कि दीर्घ रोम, काफी लंबे लंबे उंगलियों के आकार की होती है, वह दीर्घ रोम के अंदर लिम्फ वाहिनियों में सोख लिए जाते हैं जहां से ये ब्लड में पहुंच जाते हैं है ना? इस तरह से हमारा वसा का पाचन होता है। छठा क्वेश्चन, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो भोजन के पाचन में लार की भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन के पाचन में लार की महत्वपूर्ण भूमिका है। लार एक रस है जो तीन जोड़ी लार ग्रंथियों से भूमि उत्पन्न होता है ना? लाला रस कहते हैं इसको। तो लार एक रस है जो तीन जोड़ी लार ग्रंथियों से मुंह में उत्पन्न होता है
और लार्वे अमाइलेज नामक एंजाइम्स होती है जो मंड जटिल अणु को लार के साथ पूरी तरह मिला देता है ना। मंड जटिल अणु जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में लार के साथ उसको पूरी तरह मिला देता है और लार रस में पाया जाता है वो एंजाइम टाइलिन, उसको ब्रोटाइलिन भी कहते हैं। लार रस में जो पाया जाने वाला माइलेज है और इधर उसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं, है ना। लार रस में पाए जाने वाले एंजाइम को टाइलिन भी कहा जा सकता है। तो क्या करता है ये मंड के जटिल अणुओं को लार के साथ पूरी तरह सान देता है, पूरी तरह में मिला देता है ना। अब है कि लार का प्रमुख कार्य क्या है, लार का प्रमुख कार्य क्या है। यह भोजन के साथ को बढ़ाती है, लार क्या करती है भोजन के स्वाद को बढ़ाती है, टेस्ट को बढ़ाती है। तो इस पे टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च को पाचन करके उसे माल्टोज में बदल देता है। टाइलिन नामक एंजाइम जो स्टार्च प्रक्रिया करता है वो स्टार्च को पाचन करके माल्टोज में यानी शर्करा में परिवर्तित कर देता है। यह भोजन को चिकना और मुलायम बना देता है। लार क्या करता है भोजन को चिकना और काफी सॉफ्ट मुलायम बना देता है। भोजन को पचाने में भी मदद करता है। यह मुंह के खोले को साफ करता है। मुंह के अंदर का जो भाग है हमारा गाल और ऊपर नीचे उसको वह साफ करता है। मुंह में चिकनाहट परिस्थितियों है ना और मुंह में चिकनाई पैदा करता है। लार का भी अपने जगह पर कई अहम भूमिका है। मुंह में चिकनाई पैदा करता है, मुंह के खोले को साफ रखता है, भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को चिकना और मुलायम बना देता है और स्टार्च को पाचन करके उसे माल्टोज में या शर्करा में बदल देता है ना। तो लार का भी इम्पोर्टेंस है। सेवंथ क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उनके उपोत्पाद क्या है ना, मतलब उनका प्रोडक्ट क्या है। स्वपोषी पोषण के लिए उनकी आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उनका प्रोडक्ट क्या है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां है, सबसे पहले क्लोरोफिल का उपस्थित रहना, क्लोरोफिल की प्रेजेंस, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, फिर H2O यानी कि जल की उपस्थिति, फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना उसमें एंजाइम्स की उपस्थिति, फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, ये उनकी परिस्थितियां। क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषण एंजाइम्स की उपस्थिति और सनलाइट की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद। उसके बाद क्या है उनके उत्पाद क्या हो गए, ऑक्सीजन और रासायनिक ऊर्जा, ऑक्सीजन और ऊर्जा, जो ऊर्जा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ऑक्सीजन और ऊर्जा। अब है ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और पौधे, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधे ले लेते हैं। तो हम प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ऑक्सीजन और रासायनिक ऊर्जा, ऊर्जा का उपयोग वो कर लेते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग हमारे जीव जंतु कर लेते हैं। अब है वायवीय तथा
अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि वायवीय श्वसन में वायु के प्रेजेंस में होता है और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है वायवीय रेस्पिरेशन के बारे में बता रही हूँ। पहले एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, वायवीय ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। सेकेंड पॉइंट, यह सेल के प्रोटोप्लाज्म एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूर्ण होती है। यह सेल के यानी कि कोशिका के प्रोटोप्लाज्म एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूर्ण होती है, दोनों में पूर्ण होती है। तीसरा, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। चौथा, इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में ग्लूकोज के अणु में 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं, इस क्रिया में ग्लूकोज के अणु में 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं और 673 किलो कैलोरी एंजाइम्स मुक्त होते हैं, 673 किलो कैलोरी एंजाइम्स मुक्त होते हैं। अवायवीय रेस्पिरेशन में क्या है, यह ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्रिया केवल प्रोटोप्लाज्म में ही पूर्ण होता है। इस क्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इस क्रिया में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें क्या बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड जल, है ना, और यहाँ क्या हो रहा है, इस क्रिया में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस क्रिया के ग्लूकोज के एक मॉलिकुल्स में 2 ATP मॉलिकुल्स मुक्त होते हैं, इसमें 2 ATP मॉलिकुल्स मुक्त होते हैं और इसमें क्या था, 38 ATP अणु मुक्त होते हैं। और एनाएरोबिक में यानी कि अवायवीय में 2 ATP मॉलिकुल्स मुक्त होते हैं। अच्छा, ग्लूकोज के अणु के अपूर्ण ऑक्सीडेशन से 21 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होता है, है ना, ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीडेशन से, इसमें क्या होता है, पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो अपूर्ण ऑक्सीडेशन के कारण 21 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होता है। इसमें क्या था, पूर्ण ऑक्सीडेशन होने के कारण 673 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होता है। ठीक है, वो भी देखिए वाला अच्छा समझ में आ गया, मैंने कई सारे पॉइंट्स बतलाए। एरोबिक रेस्पिरेशन में A1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो उम्मीद है फिर से सुन लीजिएगा, आप लोग रिपीट करके और देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन 8। अब है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कोशिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कोशिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं। तो श्वसन तंत्र में फेफड़ा के अंदर अनेक छोटी छोटी नालियों, छोटी छोटी नलियों का विभाजित रूप होता है, छोटी छोटी नलियों का विभाजित रूप होता है और इसे अंत में गुब्बारे जैसी रचना में बदल जाती है। तो जो छोटे छोटे पतली पतली जो नलियां होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कूपिका, है ना, इसको कहते हैं हम लोग कूपिका। तो ये और ये जो है अंत में गुब्बारे जैसी संरचना यानी कि गुब्बारे जैसे फूल जाती है, बदल जाती है, जैसे कि कूपिका कहते हैं।
एल्वियोलाई भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एल्वियोलाई। तो यह एक सतह उपलब्ध कराती है, यह एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैस का विनिमय हो सके, जिनमें गैसों का विनिमय हो सके। यह कोशिकाओं की सतह फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को ढक सकती है, वहां तक उतने दूर तक आ सकती, छा सकती है, है ना। यदि कोशिकाओं की सतह को यानी कि एल्विओलाई के सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर लगभग क्षेत्रफल को ढांप सकता है, ढक सकता है। जब हम सांस लेते हैं तो पसलियां हमारी ऊपर उठ जाती है, जब हम सांस लेते हैं तो पसलियां ऊपर उठ जाती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, अंदर ऑक्सीजन आता है, तो ऐसे स्थिति में पसलियां ऊपर उठ जाती है और डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिसे वक्षगुहिका चपटा हो जाता है और वक्षगुहिका बड़ी हो जाती है, थोरेसिस कैविटी बड़ी हो जाती है और ऑक्सीजन फेफड़ों में चूस लिया जाता है, यानी कि उसको खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, फेफड़ा जो है वह ऑक्सीजन को ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लड शरीर से लाई गई, ब्लड शरीर से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं को दे देता है शुद्ध होने के लिए, है ना, क्या चीज के लिए, शुद्ध होने के लिए। ब्लड शरीर से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं को दे देता है और कोशिका यानी कि एल्वियोलाई रक्त वाहिका का रक्त कोशिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचा देती है। ये कोशिका क्या करती है, ब्लड शरीर से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं को दे देता है और कोशिका रक्त वाहिका का रक्त कोशिका वायु यानी कि हवा से, वायु से ऑक्सीजन लेकर हमारे पूरे शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचा देती है। ये है कोशिका का कार्य, है ना, ये कोशिका का कार्य है। ये यदि इसकी सतह को फैला दे तो लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरह गैसों के अधिकतम विनिमय में कोशिकाएं परिकल्पित है। अब है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकती है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आप लोग भी जान रहे होंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती है, क्या हो सकता है, है ना। हम लोग में कितना हीमोग्लोबिन रहना चाहिए, लड़कियों में कितना रहना चाहिए या पुरुषों में कितना रहना चाहिए, तो आप लोग को पता होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में लाल रंग का वर्णक होता है, श्वसन वर्णक होता है, जो कि रुधिर में उपस्थित होता है और हीमोग्लोबिन जो है वह बनता है किससे, हीम प्लस ग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन बनता है हीम प्लस ग्लोबिन, यानी कि हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन, आयरन और प्रोटीन। तो रुधिर में उपस्थित होता है कौन, ये हीमोग्लोबिन। इसकी कमी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन काफी प्रभावित होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्रभावित होता है। हो सकता है कि हीमोग्लोबिन प्रभावित हो सकता है। हीमोग्लोबिन फेफड़े से ऑक्सीजन प्राप्त कर उसे सारे शरीर में पहुंचाता है ना। हीमोग्लोबिन
फेफड़ा से ऑक्सीजन प्राप्त कर सारे शरीर में पहुंचाता है। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारे शरीर में विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की आवश्यकता की मात्रा भी नहीं पहुंच पाएगी, है ना। जब हीमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा नहीं पहुंच पाएगी और इसके परिणाम स्वरूप भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा ठीक से। इसके कारण क्या होगा कि भोजन का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से नहीं हो सकेगा तथा ऊर्जा का उत्पाद कम होगा और हम लोग को कमजोरी लगेगी। तो हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त अल्पता नामक बीमारी होती है ना, हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त अल्पता की बीमारी होती है जिसको कि एनीमिया कहते हैं, एनीमिया नामक बीमारी। तो आयरन की कुछ 12-13 वर्ष की बच्चियों को आप सुने होंगे स्कूल में, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं लड़कियों की, उन लोगों को आयरन का गोली, जिंक का गोली दिया जाता है, है ना। क्योंकि उस समय इन लोग में आयरन की काफ़ी कमी होती है और आयरन ही जो है वह हीमोग्लोबिन की मात्रा को अच्छी तरह बढ़ाता है। हीम एंड ग्लोबिन यानी कि आयरन एंड प्रोटीन, ये मिलके क्या बन गया, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और है तो 11, 12, 13 तो क्या तीन क्वेश्चन को इसको पूरा ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करें यह क्यों आवश्यक है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए यह क्यों आवश्यक है। हमारे शरीर में रक्त को हृदय से होकर दो बार गुजरना पड़ता है। हमारे शरीर में रक्त को हृदय से होकर दो बार गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। रुधिर को हमारे शरीर में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करना पड़ता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए ये दोनों आपस में न मिले, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों आपस में न मिले उसे रोकने के लिए हृदय में चार चैम्बर होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फेफड़े में जाना होता है तथा फेफड़े से वापस शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। इस तरह जिसे शरीर के अंगों में पहुंचाने के लिए पंप कर दिया जाता है। जब हृदय में ऑक्सीजनित रुधिर आ जाता है हृदय में, तो शरीर के अंगों में पहुंचाने के लिए पंप कर दिया जाता है ना। इसलिए इस तरह दो चक्र में ब्लड हार्ट में आता है, इसलिए इन्हें दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। मनुष्य एक वार्म ब्लडेड एनिमल है, वार्म ब्लडेड है, इसे उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभी हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है ना, ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब है क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। मनुष्य जैसे कि
ये एनिमल्स मैमेलिया के बारे में बता रहे हैं। स्तनधारी जंतुओं में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा हमारे बॉडी इधर ये जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, तो इसलिए हमें इसका ज्यादा जरूरत है, चैम्बर बटे रहने का की आवश्यकता है ना, ताकि दोनों मिले नहीं, दोनों ऑक्सीजनेटर और डिऑक्सीजनेटर आपस में मिले नहीं। अब है 12वां क्वेश्चन की जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के बारे में क्या अंतर है। जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन, इसमें जल एवं खनिज लवण का संवहन केवल अपवर्ड ऊपर की तरफ दिशा में संवाहित होती है। जाइलम जिसमें जल एवं खनिज लवण का संवहन केवल अपवर्ड दिशा में संवाहित होती है, इसमें जल तथा खनिज लवण का संवहन दाब तथा वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा होता है, सक्शन यानी चूषण के द्वारा होता है। ये है जाइलम। फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन, इसमें भोजन अमीनो एसिड का संवहन दोनों दिशाओं में होता है, ऊपर और नीचे की भी दिशा में होता है, दोनों दिशाओं में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी होता है, यानी कि अपवर्ड ऊपर की ओर भी और नीचे की भी ओर होता है। इसमें एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो ये है जाइलम और फ्लोएम की संरचना। और अब है लास्ट क्वेश्चन। जाइलम फ्लोएम समझ गए। जाइलम का काम है जल एवं खनिज लवण को लेके ऊपर की ओर तक चढ़ना, और फ्लोएम जो है पत्तियों बने हुए भोजन एमिनो एसिड का संवहन दोनों दिशाओं में, यानी कि चारों तरफ ऊपर मुखी अपवार्ड वार्ड इनवार्ड दोनों अधोमुखी और ऊपरी मुखी में होता है, इसमें एटीपी ऊर्जा का भी प्रयोग होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है। फ्लोएम, अच्छा फ्लोएम जो है पत्तियों से प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल को प्लांट के भूरे पूरे भाग पर, हाँ ये तो मैंने बता ही दिया है, लीव्स से जो भोजन जो तैयार होता है प्रिपेयर्ड होता है उनको प्लांट के पूरे भाग में पहुंचाना है ना, भोजन एमिनो एसिड का संवहन, ये तो मैं बता चुकी हूँ। लास्ट क्वेश्चन है कि फुसफुस में कोशिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना करें। तो फुसफुस में कोशिकाएं की, कोशिकाएं यानी कि एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई क्या है, एक तरह से हमारे फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है ना, एल्वियोलाई यानी कि कोशिका फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है। एल्वियोलाई ऑक्सीजनेटेड एवं डीऑक्सीजनेटेड वायु का वहन करती है। गैसेस एक्सचेंज के लिए भी बड़ा क्षेत्रफल होता है। अच्छा, कोशिकाओं का आकार छोटा, कोशिका मतलब कि वही एल्वियोलाई का आकार छोटा होता है, का शरीर में रासायनिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मिलती है। और फिर है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन भी वही है। अच्छा, कोशिका का आकार छोटा होता है, कोशिका शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलती, कोशिका शरीर में रसायन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलती है। और मैच्योर लंग्स जो है उसमें लगभग 38 करोड़ एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। एक मैच्योर लंग्स हैज अबाउट 30 करोड़ से एल्वियोलाई, यानी 30 करोड़ कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी।
कृकाणु शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त वायु का वहन करती है। जैसे एल्वियोलाई यानी कि कुपिका हमारा द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है, उसी तरह नेफ्रॉन आर फंक्शनल, है ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या हो गया, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और कुपिका हो गया फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। बस यही थोड़ा सा अंतर है। और वृक्काणु लूपदार बड़े आकार का होता है, यानी कि कुंडलित टाइप का होता है, गोल गोल घुमा हुआ होता है, उसको लूपदार कहते हैं। नेफ्रॉन शरीर में नाइट्रोजिनस युक्त रसायन मूत्र के रूप में निकलती है। नेफ्रॉन शरीर में नाइट्रोजिनस युक्त रसायन मूत्र के रूप में निकालती है। किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स हैं, है ना, किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स हैं। एंड द सरफेस एरिया ऑफ नेफ्रॉन, हाँ, सरफेस एरिया ऑफ नेफ्रॉन का ज्यादा नहीं रहता है, सरफेस एरिया नेफ्रॉन का ज्यादा नहीं है। बोमेंस कैप्सूल या बोमेंस कैप्सूल इन नेफ्रॉन रेगुलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। यह बोमेंस कैप्सूल इन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में जो बोमेंस कैप्सूल है वह रेगुलेट करता है क्या, वाटर और सॉल्ट का कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। कौन, बोमेंस कैप्सूल, है ना, कोई करता है। अब है क्रियाविधि की तुलना। कुपिकाओं की रचना तथा क्रियाविधि, फेफड़ा के अंदर मार्ग छोटी नलिकाओं में परिवर्तित हो जाता है जो अंत में बैलून जैसा रचना में अलंकृत हो जाता है। इसे कुपिका करते, बैलून जैसा रचना में अलंकृत हो जाना, उसे एल्वियोलाई बोलते हैं। कुपिका की एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें वृक्क का लगभग 1/4 जिन्हें कि हम कुपिका या एल्वियोलाई कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिनसे कि गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं की भित्ति में ब्लड वेसल्स का विस्तृत जाल फैला रहता है और ब्लड शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका में छोड़ने के लिए जाता है, छोड़ने के लिए लाता है। तो कुपिका ब्लड वेसल्स का वायु से ऑक्सीजन देकर शरीर की इन कोशिकाओं तक पहुंचाती है, वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की इन कोशिकाओं तक पहुंचाती है ना। तो ये हो गया कुपिका। उसी तरह नेफ्रॉन भी जो है वह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन की रचना जो है वह किडनी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। किडनी में आधारित निश्चंदन एक ग्लोबुल्स बहुत पतली भित्ति वाला गुच्छ होती है, ब्लड वेसल्स की गुच्छ होती है। प्रत्येक कैपिलरी गुच्छों में होती है, रीनल ट्यूब्स। वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एक यानी कि फिल्टर करने के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए ग्लोमेरुलस होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। कई ग्लोमेरुलस होते हैं और जिन्हें फिल्टर करने के लिए नेफ्रॉन कहते हैं। तो शुरू में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट की ओर प्रचुर मात्रा में जल रह जाता है ना,
प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं और प्रत्येक प्रत्येक क्रम और प्रत्येक वृक में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका में प्रवाहित होता है। लंबी नलिका यानी कि यूरेटर है ना, मूत्र जब बन जाता है, बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका में प्रवाहित होता है और इन पदार्थों को कोई पदार्थ इन पदार्थों को चयनित पुनरावशोषण फिर यूरिनरी ब्लैडर से रोकने यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा जो पाइप से जाता है और फिर पेनिस के द्वारा बाहर आ जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि प्रत्येक वीक में बनने वाला मूत्र एक लाली एक बहने वाली एक लंबी नलिका में प्रवाहित होता है और इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण होता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर में इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण हो जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकल जाता है ना। बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुल्स दैट हेल्प इन द ब्लड फिल्ट्रेशन है ना। ग्लोमेरुल्स क्या करता है, बोमेंस कैप्सूल या ग्लोमेरुल्स ब्लड को फिल्ट्रेशन में मदद करता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स विच वो तो अलग हो गया, ब्लड प्लेटलेट्स तो यहाँ पे क्या करता है, ग्लोमेरुल्स दैट हेल्प इन ब्लड फिल्ट्रेशन ब्लड को छानने की क्रिया में ये मदद करता है। नेफ्रॉन लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला ऑफ द पिट्री कॉर्टेक्स एंड मेडुला किडनी द कॉर्टेक्स कंटेन द रीनल कॉर्पसल्स डिस्टेंस इन convoluted tubules, whereas the medulla contain the loop of, whereas the medulla contain the loop of Henle and connecting ducts, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फुसफुस में कोशिकाएं और वृक्क में वृक्काणु की रचना क्रियाविधि किस तरह है। किडनी नेफ्रॉन जो है वह लोकेटेड यानी कि कॉर्टेक्स एंड मेडुला ऑफ किडनी वहाँ लोकेट करता है। कॉर्टेक्स कंटेन द रीनल कॉर्पसल्स डिस्टेंस एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स व्हिच इज द मेडुला ऑब्टेन द लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा आज का ये क्वेश्चन पूरा हो गया, काफ़ी लंबा हो गया, उम्मीद है आप थक गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन आंसर है दो दिन करके कॉपी में शेयर कर दीजिएगा, उसको कॉपी कर लीजिएगा है ना। तो ये कंप्लीट हो गया जय प्रक्रम, ऐसे भी बहुत बड़ा चैप्टर था, काफ़ी सो टाइम लग गया, इनमें कई सारे वीडियोस तैयार हुए, तो आज लास्ट ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मैं देखती हूँ बायोलॉजी का ही पढ़ाऊंगी है ना, और इस देखिएगा इसको, जो कमेंट होगा कीजिएगा, पूछिएगा, जो समझ में नहीं आएगा जरूर पूछिएगा, मैं इसको बताऊंगी और इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको करना नहीं भूलिएगा। ओके बाय, थैंक यू।